श्रमिक एवं कांग्रेस नेता दीपक गुप्ता के नेतृत्व में भोपाल के गोविंदपुरा विधानसभा वार्ड 56 बरखेड़ा पठानी में विशाल प्रदर्शन किया गया। रोडों की खस्ता हालत को लेकर उन्होंने रोड पर बेशरम के पौधे भी लगाए। इस अवसर पर कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। विधायक जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विधायक जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विधायक जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। आज रोड पे बेशरम लाए, रोड जो हालत को देखते हुए इस गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में 50 वर्ष से एक ही पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री तक रहे हैं और एवं महापौर तक रही है यहाँ के विधायक, उसके बाद भी ये हाल देखिए गोविंदपुरा। और दो दिन बाद भाजपा यहाँ से विकास यात्रा की शुरुआत करना चाहते हैं, विकास यात्रा निकालना चाहते हैं प्रदेश में। अरे जहाँ है पहले वहाँ तो आप देखिए वहाँ की जनता क्या चाह रही है। वहाँ पे सड़कें नाली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं है और ये विकास की बात करते हैं। सर क्या लगता है पिछले यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर भी थे यहाँ पे, इसके बावजूद ये हालात प्रदेश के अंदर तो क्या हालात होंगे? प्रदेश में तो जब यहाँ इतने बुरे हालात हैं तो प्रदेश में विकास के नाम पे भाजपा ने कुछ नहीं किया है, केवल प्रोपोगंडा किया है और केवल घोषणाएं की है। सर बेशरम के बाद भी शरम नहीं है तो फिर क्या कदम उठाएंगे आप? बेशरम के बाद भी अगर शरम नहीं आए तो आगे हम नगर निगम का घेराव करेंगे। जिस प्रकार हालात है आज रोड पे बेशरम लगाए हैं सरकार को, फिर भी शर्म नहीं है तो क्या करेंगे आप लोग? सरकार को शर्म इसलिए नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश में जो सरकार थी कांग्रेस की सरकार थी, जनता ने परिवर्तन किया था और सरकार में जिस तरीके से खरीद फरोख्त करके विधायकों को खरीद के सत्ता में काबिज हुए हैं, इसीलिए उनको शर्म नहीं है। 50 साल का इतिहास है गोविंदपुरा विधानसभा का, एक परिवार का एक क्षेत्र राज है और उसके बाद अगर यह सड़कों की हालत देखी, मूलभूत सुविधाओं की हालत देखी तो बद से बदतर है। आज यहाँ के रहवासियों द्वारा, कांग्रेस पार्टी के सभी जाबाज साथियों के द्वारा यहाँ एक प्रदर्शन किया गया है। सड़कों पर गड्ढों में बेशरम के पेड़ लगाए गए हैं। अगर इसके बाद भी अगर शर्म नहीं आती है तो मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि स्थानीय विधायक और जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं वो तैयार हो जाएं कि गोविंदपुरा की जनता उनके दरवाजे पर जाकर बैठेगी और उनसे जवाब मांगेगी 50 साल का और हिसाब मांगेगी और पूछेगी कि कहाँ है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की वो पेरिस की सड़कें। सालों से एक ही छत्र राज चल रहा है, एक ही विधायक यहाँ से रहा है और उनके बाद जो उनकी बहुआ, लेकिन विकास के कई वादे किए जाते हैं लेकिन विकास के नाम पे कुछ नहीं है। आज जो है बरखेड़ा पठानी की मुख्य सड़क जो होती है अमरावत खुर्द के लिए जाती है, जिस पर शमशान घाट भी पड़ता है और जिस पर जो है माता का मंदिर भी पड़ता है, तो पूरे बरखेड़ा क्षेत्र की पूरे पठानी क्षेत्र की जनता जो है वापस सबको जाना पड़ता है, शमशान हो चाहे मंदिर हो, लेकिन वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि वहाँ पे हमेशा आते हैं और चुनाव के टाइम में और इसके बाद में जनता को भूल जाते हैं। आज बच्चे जो है स्कूल निकल के जाते हैं या कोई बुजुर्ग जाते हैं तो वह गड्ढे में गिर गिर जा रहे हैं। दो दिन पहले सड़क हादसे में बेचारे एक बच्चे की जान चली गई बजरंग मार के, और विधायक जी कहते हैं, पार्षद जी कहते हैं कि जो है कि विकास की गंगा बह रही है। ये विकास की गंगा बहती जिसे विकास की गंगा कहते हैं कोई सुध लेने वाला नहीं है। जब ये आनंद फानन में हुआ तो कल कहते हैं कि बोले आप लोग धरना प्रदर्शन करो, ये सब ठीक नहीं है भाई। जनता जागरूक हो चुकी है, जनता के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और इसके बाद में जो 25 सालों से पार्षद है यहाँ का बीजेपी का, कोई सुध लेने वाला नहीं है। महापौर बीजेपी का, सांसद बीजेपी का, पार्षद बीजेपी का, मुख्यमंत्री बीजेपी का, प्रधानमंत्री तक बीजेपी का, लेकिन जो है कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मैं यही चाहूँगा और यहाँ के जनप्रतिनिधियों से कि क्षेत्र की जनता का थोड़ा ध्यान रखें और यहाँ के रहवासी जो परेशान हो रहे हैं उस समस्या का निराकरण करें। युवा कांग्रेस नेता कौन सा? वार्ड क्रमांक 56। सरकार ने आज प्रदर्शन किया है, किस प्रकार के हालात है प्रदेश में? हालात देख ही रहे हैं आप लोग, जो है कई वर्षों से विधायक लगातार जीतते चले आ रहे हैं, गौर साहब के परिवार से गौर साहब रहे, मुख्यमंत्री यहाँ के, इसके बाद मुख्यमंत्री उनके 17 साल से, इस वार्ड में 25 साल से पार्षद उनके हैं,
रोड जो है जगह जगह रोडों की दुर्दशा हुई पड़ी हुई है। एक माता मंदिर के लिए रोड बनवाई थी विधायक भी, उस समय पीसी शर्मा जी बीडीए चेयरमैन हुआ करते थे, उनके द्वारा हमारे यहाँ पिताजी ने जो हरिराम प्रजापति के द्वारा वो रोड बनी थी, इसके बाद वो रोड आज तक नहीं बनी। और शमशान के लिए जो रोड गई है वो मार देखो जाके, उस पर जो है इतने गड्ढे हैं कि बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं, पानी भरा हुआ है, नाली का पानी रोड पे आ रहा है, लोगों के लिए निकलने के लिए जगह नहीं, कई गलियों की हालत ऐसी कंडीशन खराब है ना, इसके बाद भी कोई देखने नहीं आ रहा है। नाम बता दीजिए। दलित प्रजापति।